हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सी टेट 2015 के 25 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के लेके आई हूँ। आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कल प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लेके चलूँगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि कल जो मैंने क्वेश्चन बताया उसके बाद आज के क्वेश्चन में भी रिपीट है। वो कल 2018 का क्वेश्चन था, आज 2015 का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। आयु का श्रेणी दिया हुआ है 6 से 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। तो परवर्ती आयु जो होता है वो द्वितीय अवस्था होता है। परवर्ती का मतलब होता है बाल बाद का काल, मतलब बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था मतलब जो इन्फेंसी है या उसके बाद का, बाद की जो अवस्था होती है, 5-6 साल से लेकर 11 साल की अवस्था। इसमें इसको निर्माण कारी काल भी कहते हैं। इसमें बच्चे सब गंदी चीज़ें भी सीखते हैं, तो इसलिए इसे डर्टी एज भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसे खेल और खिलौने की भी आयु कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। और इस समय बच्चा अपना गैंग बनाता है, इसलिए इसे गैंग एज भी कहा जाता है, 6 से 11 साल। इसमें क्या होता है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता होती है, आत्मनिर्भरता होती है और उसके मन में प्रबल जिज्ञासा होती है सब कुछ जानने की, और नैतिकता की भावना भी शुरू होने लगती है। समूह की प्रवृत्ति होती है, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, इसका आंसर है 6 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि के आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है। हर व्यक्ति अलग होता है एक दूसरे से। तो कल के क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुआ था, वहाँ पर होगा वंशानुक्रम और वातावरण से व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बच्चे सब लोग अलग अलग होते हैं। तो ये इसमें भी यही सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। इसी की वजह से हम सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता। बुद्धि के सिद्धांत से हम लोग अलग नहीं होते, वंशानुक्रम से नहीं होते, पर्यावरण से नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता। वंशानुक्रम और पर्यावरण ही कारण है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम और पर्यावरण है। फिर कल देखिए, कल हमने पढ़ा था लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता के उपस्थिति का को सही अर्थ में सूचित करता है। तो कॉलबर्ग का हमने कल क्या पढ़ा था कि 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि अलग अलग स्तर होते हैं। 3 अवस्थाएं में हमने एक किया था कि कॉन्वेंशनल, जिसको हम परंपरागत स्तर का अवस्था कहते हैं, दूसरा होता है, पहला था पूर्व परंपरागत जिसे हम प्री कॉन्वेंशन कॉन्वेंशनल स्टेज, दूसरा कॉन्वेंशनल अवस्था स्टेज या परंपरागत अवस्था, और तीसरा था उत्तर परंपरागत अवस्था। ये कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता है कि पूर्व परंपरागत अवस्था जो है वो 4 से 10 साल की आयु का होता है। उस समय बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्थिति अपरिपक्व होती है, मतलब उसमें वो परिपक्वता नहीं आती और नैतिकता की शुरुआत ही होती है। वो पूरे नैतिकता को पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। उसके लिए नैतिकता का जो ये है वो पहला और दूसरा स्तर इसमें आता है, वो उसमें क्या है, दंड और पुरस्कार से संबंधित होता है। ठीक है, वो उस समय आज्ञाकारी और दंड और व्यक्तिवाद विनिमय में वो ध्यान देता है, आदान प्रदान। उसमें उसका क्या होता है कि पहले अवस्था में वो दंड और पुरस्कार से नैतिकता उसकी बंधी होती है। ठीक है, कि अगर पुरस्कार मिला तो अच्छा काम हो रहा है और दंड मिला तो गलत। दूसरा स्टेज में क्या होता है कि वो बालक जो है वो माता पिता और समाज के सामने जो अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो ऐसा व्यवहार करता है जो उसके दोस्तों को अच्छा लगे, माता पिता को अच्छा लगे और उसको प्रशंसा मिले। तो इन नैतिकता का विकास काफ़ी हद तक शुरू हो जाता है। और अगला जो तीसरी अवस्था है उनका, पोस्ट कॉन्वेंशनल उत्तर परंपरागत काल में, वहाँ पर जब उसकी
कुल नैतिकता की उपस्थिति सही अर्थ में जब सूचित होती है वो तीसरी अवस्था होती है, जिसमें कि बालक को व्यक्तिगत आधार पर सामाजिक नियमों को मानता है, नैतिकता को मानता है, लेकिन वो अपने विवेक का भी प्रयोग करता है। उसमें एक तो हुआ सामाजिक संबंध व्यक्तिगत आधार पर, और उसके बाद छठा जो आखिरी होता है उसका स्टेज, थर्ड स्टेज में, तो वो उसमें सार्वभौमिक सिद्धांत नैतिकता का मानता है। उसमें क्या होता है कि सार्वभौमिक सिद्धांत में नैतिकता और कानूनी सिद्धांत टकरा सकते हैं, क्योंकि कानूनी, जैसा कि मार्टिन लूथर का भी कहना था कि अनुचित कानून को नहीं मानना चाहिए, यहाँ पर कानून वही सही होगा जो न्याय पर आधारित हो। तो इस तरह के कानून के इम्प्लीमेंट होने पर वहाँ जो नैतिकता होता है उसमें वो अपने विवेक से उसका विरोध भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन जो 3 है इसका आंसर होगा कि कौन सा स्तर नैतिकता की उपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। पहला स्टेज, जिसमें कि नैतिकता की शुरुआत होती है, उपस्थिति होने लगती है। वंचित समूह के विद्यार्थी, ये भी कल क्वेश्चन आया था, वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा? तो अपवर्जक शिक्षा में क्या होता है कि सबसे पहले हम अपवर्जक शिक्षा समझें कि वो शिक्षा में छात्रों को सत्ता के अनुसार और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, मतलब उनको सब चीज़ नहीं मिलता है, सीमित मुहैया होता है। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है कि समान शिक्षा, जिसमें विशिष्ट बालक जो कि स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है और उन्हें मुख्य धारा में, विकलांग बच्चों को भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है, तो उसे एकीकृत शिक्षा कहते हैं। विशेष शिक्षा तो अलग हो गया कि विशेष रूप से किसी चीज़ को पढ़ाया जाए, विशेष सब्जेक्ट या विशेष शिक्षा दी जाए, स्पेशल एजुकेशन देकर किसी को किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया। और समावेशी शिक्षा जो है वो एकीकृत शिक्षा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्च किया जाता है, जिसमें ऐसा पाठ्यक्रम चलाया जाता है जिस कि अपंग बच्चों को तो लाभ मिले ही, लेकिन सामान्य बच्चों को उससे नुकसान ना हो। तो ये एक्सपेंसिव होता है समावेशी शिक्षा, उसमें क्या होता है स्पेशल एजुकेटर रखे जाते हैं और काउंसलर भी रखे जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा एकीकृत शिक्षा से इस मामले में थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, मतलब कि वैसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। इसका मतलब क्या है, अधिगम अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस को इस तरह से आयोजित करना चाहिए कि लर्निंग फ्रूटफुल हो, सार्थक हो। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम सुगम नहीं बनाता है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अधिगम को सुगम नहीं बनाता, इजी नहीं बनाता। तो विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा, वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, ये सारे तीनों तो ठीक है। पहला नंबर जो है ना वो विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर जो पुनरावृत्ति है ये ही इसका आंसर होगा, ये अधिगम को सुगम नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति के, उनको स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना क्या प्रतिबिंबित करता है, प्रेरणा की सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, पिता प्रेरणा का मानववादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। प्रेरणा का विद्यार्थियों को अगर हम स्वच्छता समिति का सदस्य बनाएंगे तो क्या होगा कि प्रेरणा का सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पनाएं जो हैं वो सामने आएंगी, सदस्य बनने से वो उसमें शामिल होंगे और उसको व्यवहार में भी लाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा
एट का ए, सिक्स का ए। अगला क्वेश्चन है सेवन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। कक्षा में अच्छा परिवेश सृजन हो, इस प्रकार का अधिगम परिवेश सृजन करने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे से, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, बच्चों को स्वीकार कार्य करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है, अध्यापकों के हिसाब से कार्य नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है आजकल, बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश, प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब हुआ कि हर बच्चे को इक्वल चांस मिलना, समान अवसर प्रदान करना, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कंट्रोल एटमॉस्फेयर जब रहेगा टीचर के कंट्रोल में तो क्या होगा कि संवेगात्मक विकास नहीं ना हो पाएगा, बच्चे डरे हुए रहेंगे। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ये भी नेगेटिव जा रहा है। तो जब भी हम लोग इस तरह का शिक्षक का रुख जब भी हम बताएंगे तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हमारा रुख सकारात्मक होना चाहिए, हमारे ऑप्शंस जो भी हम चुनेंगे वो सकारात्मक होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत, फिर वो हमारे पक्ष में नहीं जाता। टीचर स्टूडेंट के बीच का जो भी समस्या है उसको सकारात्मक ढंग से सुलझाना है, और हमें जब भी ऑप्शन भी चुनना है तो सकारात्मक ऑप्शन चुनना है, इसका ध्यान रखते हुए आंसर करेंगे तो आपका क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे। तो सब क्या है, प्रजातांत्रिक परिवेश इसका आंसर है क्योंकि सबको इक्वल चांस मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए? पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, बिल्कुल नहीं। सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, ये भी नहीं। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधानों की अनदेखी करना, ये सब नहीं। टीचर को प्रभावशाली होने के लिए हर बच्चे के संपर्क में रहना होगा। तो इसका आंसर होगा ये। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल, समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल का मतलब प्रोग्रेसिव, तो इसमें फिर हमको पॉजिटिव वाला देखना होगा, ठीक है। हमेशा आंसर देते समय ये देखिएगा कि सबसे सकारात्मक क्या है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना, ग्रुप में बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। इसमें इसका आंसर है कि क्या करना है कि सही नहीं है। बाकी पहला सही है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना, फिर कक्षा में प्रजातंत्र के लिए प्रजातांत्रिक माहौल होना चाहिए, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, तो ये सही नहीं है कि बच्चों को विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनका पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये सही प्रगतिशील मॉडल के संबंध में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक कार्य आकलन नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न में क्या होता है कि आपको आज़ादी होती है, आप अपने विचार उसमें व्यक्त कर सकते हैं, और ये खुले अंत वाले में आपको आंसर देने का, और बंद अंत वाले होते हैं उसमें यस नो ट्रू फॉल्स इस तरह का ऑप्शन दिया होता है, उसमें से आपको लिखना होता है। परियोजना होता है प्रोजेक्ट, अवलोकन होता है निरीक्षण ऑब्जर्वेशन, और चौथा है विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना। तो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है विद्यार्थियों का योग्यता का निर्धारित करना, ये सबसे उनकी
रचनात्मकता का आकलन हो सकता है प्रोजेक्ट वर्क से, ऑब्जर्वेशन से कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। खुले अंत वाले प्रश्न में वे अपने विचार दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां मिलती है। विपरीत छवि और दर्पण छवि क्या है कि आप बी लिख रहे हैं वो दिखेगा डी, तो इस तरह की गलती, ये भी क्वेश्चन पहले भी आया है, मिलती है, तो इस बच्चा कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असुविधा का, अधिगम में अशक्तता का, अधिगम में कठिनाई का, या अधिगम में समस्या का? तो आपको बताना है कि ये बच्चा का कौन सा प्रॉब्लम है। तो अधिगम में अशक्तता, वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इसे इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ये व्योत्स्की का है का, मैंने तीन चीज़ बताया था ना, व्योत्स्की ने पहला बताया था कि इंटरनलाइजेशन, दूसरा बता जिसमें आत्मसात करना, दूसरा था सहारा लेना, और तीसरा था ZPD जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इंटरनलाइज करने का मतलब होता है स्वयं सीखना। तो यहाँ पर जो लड़की पुष्पा है वो स्वयं से नहीं कर पा रही है, तो उसको किसी का सहारा चाहिए। सहारा चाहिए, वो अस्थाई सहारा चाहिए थोड़े समय के लिए। तो इसको हम, इसका आंसर होगा, तो इसमें थोड़ा सा वो सहारा लेकर कर पा रही है, तो इसे हम कहते हैं सहारा देना, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये कोलबर्ग का सिद्धांत में पाया जाता है, ठीक है। इसमें और है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और ये सारा जो है वायट्सकी के थ्योरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो कि कल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, जिसको हम लोग CCE कहते हैं। स्कूल में पहले था, अभी बंद हो गया है, फिर शुरू होने वाला है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। दूसरा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए। तीसरा है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए। चौथा यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सतत व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और सुधार किया जाता है, इससे ये पता चलता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। बच्चे को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का उद्देश्य होता है। शाब्दिक का मतलब हुआ कि वर्बल मतलब डांट टपट के, और नॉन वर्बल का मतलब हुआ आँख के इशारे से डराना या इस तरह से। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की रक्षा करना, उनके प्राप्तांकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और गैर शाब्दिक जिसको बोलते हैं, तो उनका क्या है कि का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इसका आंसर होगा उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहारों की जानकारी प्रदान करते हैं? कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये बताते हैं? तो इसमें कौन? माता पिता और भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो वही लोग होते हैं, भाई बहन एवं अध्यापक तो नहीं होते उस समय, अध्यापक और साथी भी नहीं होते, साथी और माता पिता, तो उस समय केवल माता पिता और भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था में। शिक्षार्थियों का ज्ञान के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करें, विद्यार्थियों के अंकों और ग्रेडों पर या विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर, या शिक्षार्थी द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। तो इसमें आपको क्या करना है कि स्टूडेंट का सहभागिता,
जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हो, जितना ज़्यादा टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो, ये सारे आंसर पे आपको ध्यान देना होगा, हमेशा पॉजिटिविटी देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इसको तो आप बहुत अच्छे से आंसर करेंगे कि आपके अनुसार कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अब देखिए, ये ना आपका मानसिक किस ट्रेट का है, मेंटल मतलब क्या विचारधारा है, पुरानी विचारधारा के हैं कि आप नई विचारधारा के हैं, इसको आंकने के लिए इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसका आंसर करने में क्या होगा कि लड़कों को, ऐसा नहीं है कि घर का काम केवल लड़कियां करें, ये ट्रेंड अब बदल रहा है, तो इसका आंसर यही होगा जो नया टाइप का है, बाकी तो सब होता ही आया है अभी तक। गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए तो एकदम ही गलत बात है, गृह विज्ञान और घर का काम सबको आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, ये किस चीज़ से संबंधित है, ये इमोशंस को लेके चल रहा है ना, भावनाओं को लेके चल रहा है, इसलिए ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक विकास में ये नहीं आएगा, संज्ञानात्मक ज्ञान से हो गया, शारीरिक विकास बॉडी के डेवलपमेंट से है, तो इसका आंसर होगा इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास से। शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत नहीं करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर के समूह बनाना। अब देखिए, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो ये तीनों चीज़ जो है ना, ए बी और डी तीनों नहीं होगा, इसमें क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो सब चीज़ उनके हिसाब से होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ये तीसरा, शिक्षार्थियों के आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। पियाजे का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करता है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक मतलब नॉलेज को प्रभावित करता है, ज्ञान को प्रभावित करता है, तो इसमें से आपको आंसर चुनना है, इसमें होगा भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो इसमें संज्ञानात्मक विकास तो बचपन से ही शुरू होने लगता है एक उम्र के बाद, तो उसमें भाषा का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभव से आदमी सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास होता है। NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, गलतियों क्यों के महत्व को बताया गया कि क्यों महत्वपूर्ण गलतियां होती है, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ये सक्सेसफुल पास और फेल को डिसाइड करने में मदद करता है। दूसरा, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका, देखो ये भी नेगेटिव है, ये हम कभी नहीं लेंगे, क्या करना है कि बच्चों को डांटने का तरीका उपलब्ध कराती है, डांटना हम जरूर, डांटना मतलब टीचर का अधिकार है ऐसा एकदम नहीं है, अब ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, ये एकदम सही आंसर है। और ये क्या है, फिर नेगेटिव है, ये कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध करती है, तो ये इस तरह की चीज़ें शिक्षक को ना सोचना है ना करना है ना उस तरह का आंसर देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा त्रिनय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है, इसमें
पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप में विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं और पर्यावरण को अनुकूल करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका अर्थ है कि चिंतनीय सिद्धांत मतलब केवल अपने बारे में विचार करना व्यवहारिक रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कुछ चीज़ चल रहा है, समायोजन और साम्य धारण और आत्मसातकरण, तो आत्मसातीकरण क्या है, नए ज्ञान को पुरानी योजना में शामिल करना, मतलब पुराने स्कीमा के साथ नया ज्ञान को जोड़ लेना। जैसे इसका एक उदाहरण दिया इसमें। और दूसरा होता है कि संज्ञानात्मक विकास क्या हुआ, इसमें होता है ये साम्य धारण आत्मसात करने में, इस पहला स्कीमा जो है उससे, मान लो एक दो छोटा छोटा गिलास में पानी रखा हुआ है और एक गिलास का पानी को लंबा बीकर में डाल दिया गया, और किसी बच्चे से अगर पूछा जाए तो उसको तो पता था कि दो छोटा छोटा गिलास में पानी दिख रहा था कम, और एक में अब लंबा बीकर होने से एक में ज़्यादा पानी दिख रहा है, एक में कम हो गया, तो उससे पूछा जाएगा तो वो पुराने स्कीमा का प्रयोग करके बोलेगा कि इस बीकर में ज़्यादा पानी है, पानी जबकि उतना ही है। तो इसको कहते हैं आत्मसातकरण कर लिया, पुराने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में शामिल कर लिया। और समायोजन में क्या होता है कि नई सूचना के अनुसार समायोजन करता है, मतलब स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजन, वहाँ पर स्कीमा के अनुसार किया आत्मसातकरण में, यहाँ क्या किया, स्कीमा को नई सूचना के अनुसार कर दिया समायोजन में, ठीक है। ये समायोजन इस तरह करता है। तो साम्य धारण में करता है कि आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों का आरंभ, दोनों को करना, समायोजन और आत्मसातीकरण जब होता है तो एक समय तक, तो फिर उसको साम्य धारण कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आत्मसातकरण से, क्योंकि प्रचलित योजना